बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग मार्बल खेल रहे थे ना, वो भी थोड़ा टाइम देख लिया, अच्छा लगा है। वो मार्बल जो खेल रहा है ना, वो देख के अपने हमको मतलब बचपन का बातें याद आ गया। बचपन में भी हम लोग वैसे करके मार्बल खेला करते थे। मतलब को पहले मैं बताया था ना, नदी के कैसे रोक सकता है, कैसे बांध कर सकता है, तो ऐसा है। मतलब इधर में देखते हो वो पूरा जो है ना बालू बोरी में, प्लास्टिक का बोरी में, उधर से पूरा वो साइड से भी है, लेकिन उधर से पूरा ऐसे करके ला के बोरी में फेंक दिया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड गाइस, बढ़िया रहना, बढ़िया रहने के लिए मैं दिल से दुआई करता हूँ आप लोगों के लिए। और ना गाइस, मैं आज थोड़ा मतलब विलेज लाइफ का ब्लॉग एक बनाने के लिए आया था। हमारा इधर सोबनसिरी नदी और भोगी नदी जहाँ पे मतलब ज्वाइन होता है ना, वो एरिया पे आया था। तो ये एरिया में हम लोग पहले भी आते रहते हैं, अभी तो हम उधर रहते हैं ना, अभी गांव आया इतना साल बाद, तो थोड़ा देख के आएंगे और आप लोगों का पास में भी थोड़ा शेयर करेंगे बोल के आए थे। तो देख सकते हैं मेरा पास में इधर सोबनसिरी नदी है, देख सकते हो उधर में भी वो नदी जो है ना, उधर में भी थोड़ा पास में जाने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अभी इधर से दूर से दिखा है क्योंकि हमारा इधर बहुत पुराना भैया एक मिला है, भैया का घर में आया था इधर, भैया जी लोग सब लोग है और इधर में है ना, हम लोग भैया, उसको भैया हम लोग है, देख सकते इधर में हम लोग इधर से बैठा है, इधर से देता है, इधर से हम लोग का मेथी कुछ सोबनसिरी काट के ले गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ना आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ना हम लोग का पूरा मतलब ट्रेडिशनल से घर बनाया जाता है, ऐसा चांगर बनाया जाता है। ये चांगर किस लिए बनाया जाता है आप लोगों को बता दूं ना, जब बारिश का टाइम होता है ना, ऊपर से जब बारिश का टाइम में, बरसात का सीजन में जब बारिश होता है, तो बारिश में यह पूरा बाढ़ आ जाता है ये एरिया में, जो गाँव है ना, इसीलिए इधर नदी है पास में, नदी का पानी ज्यादा होकर मतलब बाढ़ हो जाता है, इसलिए इसको ऊपर बढ़ा, नीचे होने से पूरा पानी पानी हो जाता है ना, घर सब खत्म पूरा मतलब इतना बिगड़ जाता है। एक बार बाढ़ आने आके जाने के बाद में कितना पोलॉक, कितना मिट्टी लेके आता है ना बाहर से, कितना वो लेके आता है, तो घर कितना गंदा कर देता है, इसीलिए उसके बचाव के लिए ये चांग जैसा बनाया जाता है। ऐसा नीचे में देख सकते हैं आप लोग, पूरा बेम्बो एम्बो लगा के घर ये मतलब इधर चांग दिया जाए, उसके बाद में पूरा घर ये, तो मतलब ऐसा होता है हम लोग का आसाम में गाइस। आप लोग भी एक बार आके देख सकते हो हमारे आसाम में कैसा कैसा घर रहता है बोल के, ठीक है ना। ओके ओके गाइस, अभी हम यहाँ आ चुके हैं नदी का किनार पे, जो देख सकते हैं नदी पूरा नदी नदी है चारों तरफ। पहले ये पार कर लेते हैं, अभी नदी का किनार में आ चुके हैं, थोड़ा देखेंगे इधर पे, मतलब थोड़ा देखेंगे इधर में, थोड़ा एंजॉय विंजॉय करेंगे। मेरा बैक साइड में देख सकते हैं नदी, सो जो कि ये सोबनसिरी नदी है, इसको सोबनसिरी नदी बोलते हैं यहाँ पे हमारा असम में, नॉर्थ ईस्ट में आपका लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लखीमपुर धेमाजी जाने का जो बीच में है ना, वही है सीमा है लखीमपुर धेमाजी का भी एक तरफ बोलने जाएगा। तो ये नदी को हम लोग सोबनसिरी नदी बोलते हैं। थोड़ा देखेंगे चलो क्या क्या मतलब इधर में कैसा कैसा मतलब इधर में परिस्थिति है, वो थोड़ा देखेंगे, जानेंगे, बुझेंगे, समझेंगे, तो आप लोगों को भी बिल्कुल समझाने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलो पहले हम यहाँ से नदी देखने के लिए थोड़ा पास में जाएंगे, थोड़ा इतना साल बाद आके देख रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है मन को। सो देख सकते हो गाइस, ये जो नदी है ना सोबनसिरी नदी है, ये पूरा बहती है। पहले ना यहाँ पे नहीं था ये नदी, मालूम है ना, वो जो उस पर जो मतलब बालू है, बालू का पास में जो जंगल है ना पास में, देख सकते हैं जूम करने से दिखाई नहीं देगा, हाँ थोड़ा थोड़ा जो जंगल है ना उस वहाँ से नदी बहा करता था, ठीक है। यहाँ से जितना है ना, यहाँ से मतलब जैसे आने का रोड है, वो रोड वहाँ तक हुआ करता था, लेकिन पूरा नदी क्या करेगा, पूरा बरसात के सीजन में ज़्यादा बाढ़ आता है ना हम लोग आसाम में, तो मतलब देख सकते आप लोग पूरा नदी उधर से मतलब खन खन के उस तरफ से होके ऐसे आया है, नहीं तो नदी उस तरफ से जाना है ना, अभी उधर से जाएगा तो अगर खनखन के अगर उस तरफ जाएगा ना, तो उधर से बोगी नदी एक रिवर आया हुआ है, लेकिन उसका असर मिलेगा तो यह मतलब अलग ही वो हो जाएगा बाद में, बहुत मतलब आदमी का भी इंसान का भी सबका नुकसान भी बहुत होता है गाइस। तो यही है मतलब बाढ़ का परिस्थिति, क्या करें। थोड़ा ये इसको जो बाढ़ जो आता है ना उधर से मतलब जो गड़ा खाना है था, इधर नीचे देख सकते हैं आप लोग, यह पूरा मिट्टी खन खन के नदी पूरा इधर आ जाता है, अंदर आ जाता है, देख सकते हैं। तो इसको कैसे बांध सकता है, कैसे इसको रोक सकता है, वो प्रोसेस आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। तो चलो यहाँ से पहले थोड़ा आगे तक है, वहाँ दिखाने के लिए आप लोगों को समझाता हूँ। तो चले गाइस पहले वहाँ चलते हैं। देखो गाइस, इधर में एक ब्रिज होता तो आदमी लोगों को आने के लिए कितना अच्छा मतलब कितना आसानी हो जाता ना। अभी इधर देखो पूरा नाव से, ब्रिज नहीं है ना इधर, इसीलिए इधर नाव से उस पार से इस पार, इस पार से उस पार नाव से लिया जाता है।
ठीक है ना गाइस। अगर इसमें बीच में होता तो सब लोग आना जाना आराम से कर सकता है ना, ब्रिज का वजह से घंटों घंटों तक रुकना पड़ता है। इधर उस पार में जाएगा फिर उस पार से लेके आएगा, तो इधर में थोड़ा बहुत पैसेंजर था उधर नाव में जाने का, तो वो लोग पूरा उधर जाने के लिए रुक रहा था, तो उस पार में जाना पड़ता है। वो उसको छप्पड़ी गाँव बोलता है, ठीक है ना। उस तरफ से जाएंगे ना थोड़ा अंदर 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 होके जाएंगे ना, तो हम लोग सीधा धेमाजी गोगामुख उस तरफ निकल जा सकते हैं। अंदर अंदर से रोड है, लेकिन इधर से एक ब्रिज होता तो कितना अच्छा लगता है। नहीं तो अभी क्या कर रहे हैं सब लोग, नदी खन खन के बहुत गांव का अंदर तक घुस चुका है, लेकिन अभी वही चल रहा है इधर में। तो यहाँ का मतलब कल्चर भी है एक बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ऐसे पार होना पड़ता है, कितना अच्छा लगता है ना। पहले देख सकते हो गाइस, यहाँ से पूरा रोड हुआ करता था वहां तक, थोड़ा आगे तक, लेकिन पूरा खत्म हो गया है अभी। ये गांव से इधर निकलने का रोड है, ये पूरा सिटी का तरफ निकलना पड़ता है। यहाँ से सिटी जाना है तो ऐसे टुक टुक भी आता है भाड़ा के लिए, तो इधर से टुक टुक भी आप लोगों को मिल जाता है। ओके गाइस, अभी ना हम इधर नदी का पूरा नजदीक पे आके देख रहे हैं, मतलब जो आप लोगों को पहले मैं बताया था ना नदी के कैसे रोक सकता है कैसे बांध कर सकता है, तो ऐसा है। मतलब इधर में देखते हो वो पूरा जो है ना बालू बोरी में, प्लास्टिक का बोरी में, उधर से पूरा वो साइड से भी है, लेकिन उधर से पूरा ऐसे करके लाके बोरी में फेंक दिया है, ठीक है ना गाइस। तो उधर में देख सकते हैं वो बना रहे भैया लोग, ऐसा पक्का का खूटी है ना, वो सब पूरा नट बोल्टू पूरा हैवी नट बोल्टू से लेके तार से लेके बांध के, मतलब इधर उसको बनाने का होने के बाद इधर लाके गाड़ देंगे पूरा वहां तक। तो उसको मतलब पानी उधर से आएगा तो उसको पानी को रोक सकते हैं, पानी को रोकने के लिए उसको ऐसा बना रहे वो लोग। उधर में ऑलरेडी बना के हो चुका है, इधर देख सकते हैं आप लोग, हाँ इधर में बना के हो चुका है, उधर भी बना रहे और उधर में ऐसे करके रोकना पड़ता है इसको, ठीक है ना गाइस। गाइस आप लोगों को दिखा दिया आज कैसा कैसा मतलब नदी का वो होता है, तो यही है हम लोगों का इधर में। लेकिन कितना अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य जैसा भी लगता है ना इधर में। आओ ऐसा इवनिंग टाइम में वैसे इवनिंग वॉक करो, तो सामने में एक पहाड़ है लेकिन वो बादल का वजह से ढक गया है, ठीक है ना, वो दिखाई नहीं देगा अभी। जब बादल जब क्लियर होगा ना, तो क्लियर होने के बाद में आपको एक दिन उधर पास में जाके या किधर भी होगा तो आप लोगों को मैं दिखाने के लिए जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ऐसा सीनरी भी है लेकिन क्या करे, नदी खत्म कर दिया इधर में। कितना गांव था उधर में, पूरा खेत वेत हुआ करता था, लेकिन सब खत्म कर दिया। नहीं तो पहले उस तरफ से जो था ना वो ऐसे सीधा नदी था, पूरा इस तरफ आ गया है देख लो। तो क्या बोले थे अभी, प्राकृतिक है ना, जो नेचर है, नेचर ने जो सृष्टि किया है वो तो करेगा ही, तो नेचर को हम लोग नहीं रोक सकते है ना। नेचर को हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते और कुछ मतलब कर भी नहीं सकते, उसको रोक भी नहीं सकते। नेचर का साथ खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए, नेचर जो चाहता है उसी में हम लोग को चलना पड़ता है, ऐसा है हम लोग का आसाम में। तो पहले आप लोग भी एक बार इधर में आके देख सकते हो, ठीक है ना। और जो गाइस जो गांव है ना, गांव में इधर स्कूल भी है, तो सरकारी स्कूल है, एलपी स्कूल बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक विद्यालय वही बोलता है। तो ये स्कूल है नदी का ठीक नज़दीक में, ये स्कूल देख सकते हैं, रोड बीच में रोड है। अगर हर साल ऐसे नदी ऐसे इधर ही आते रहेगा तो स्कूल भी लेके जाएगा, लेकिन स्कूल को भी बचाना पड़ेगा हम लोगों को। तो जैसे जैसे करके जो भैया लोग कर रहा है ना वैसा करेगा थोड़ा ना, अगर पानी को रोक सकता है तो रोक सकते हैं, नहीं तो क्या करेगा। नेचर को तो रोक भी नहीं सकते है ना, वो तो आ ही गई, लेकिन उसको स्कूल को भी बचाना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल को यहाँ से दूसरा जगह में शिफ्ट करना पड़ेगा, वही उपाय है। अगर ज़्यादा ही पास में आते रहेगा, अगर नहीं आएगा उधर ही अटक जाए उधर से जा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल जैसे है वैसे रहेगा ना, तो छोटे छोटे बच्चे लोग भी पढ़ाई करेगा तो अपना फील्ड है, स्कूल है, कितना अच्छा लगेगा ना, इधर भी देख सकते हैं। ओके गाइस, अभी ये घर में जो आए थे ना इधर में ऐसे बैठा भैया लोग ऐसे बात किया है, तो ऐसे उधर में बैठा बातचीत कर दिया। उसका बाद में बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग मार्बल खेल रहे थे ना, वो भी थोड़ा टाइम देख लिया, अच्छा लगा है। वो मार्बल जो खेल रहे हैं ना वो देख के आप लोग हमको मतलब बचपन का बातें याद आ गया, बचपन में भी हम लोग वैसे करके मार्बल खेला करते थे मतलब। बाय बाय रानी, बाय बाय, बहुत आई सुधाई।
देखो हमारा पीछे पीछे आ रहा है, ये ना गाइस हमारा पीछे पीछे आ रहा है, देख सकते हैं कितना अच्छा है, कितना क्यूट अच्छा लगता है हमको। ऐसा प्यारा प्यारा कुत्ते है ना, जो डॉगी रहता है, खेलने में मजा लगता है। रानी बोल रहे हैं इसका नाम, रानी है, रानी। कितना अच्छा है ना, देखो हमारा पीछे पीछे आ रहा है भाई साहब। जो घर का होता है ना, वो घर का अपना अपना है, कभी छोड़ता नहीं है, अच्छा लगता है वो भाई साहब। देखो यार रोड पर आ चुका है, इतना प्यार करता है हमसा आदमी से, जो कुछ मतलब डॉगी है ना, रानी है ना, रानी का ओनर है इधर, ठीक है ना। हाँ भी आ रहा है पीछे पीछे भाई साहब, डेंजर। ऑल राइट गाइस, अभी ना हम भैया के साथ में जा रहा है यहाँ से सेंटर, अपना बोगी नदी सेंटर तक, वहां से फिर हम जाएंगे घर तक, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने का काम था बोल के ऐसे घर से निकल के आया था वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस चलो पहले यहाँ से हम बोगी नदी चलते हैं, उसके बाद जरूर मिलेंगे गाइस आप लोगों से, ठीक है ना गाइस। तो अभी भैया के साथ जा रहा हूँ, चला रहा हूँ, तो ये हमारा बोगी नदी इतना नजदीक से पहले वहां से हुआ करता था, वो भी इधर से आ रहा है, उधर से सोनसरी भी इधर से आ रहा है, दोनों आके लग जाएगा। फिर उस तरफ जो पीछे का गांव है वो छपड़ी जैसा ही रह जाएगा, बस इसको एक ही गांव जैसा, एक ही गांव का जैसा बनाना है कि नहीं गाइस। तो चलो अभी यहां से हम सेंटर तक निकलते हैं गाइस। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम यहां से मेन हाईवे से हमारा मतलब गांव का जाने का रोड पकड़ लिया है, अभी यहां से जा रहे हैं, अंदर आए थोड़ा दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। तो अभी कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज बता देना, थोड़ा नदी का किधर भी गया, थोड़ा नदी का मतलब प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो आप लोग वो कैप्चर करके आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए बहुत कोशिश किया। तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज कमेंट करके बता देना। तो गाइस चले अभी हम यहाँ से घर की ओर निकलते है। ओके गाइस, ये जो अभी देखा है ना आप लोगों ने, हमारा गांव का पंडित जी है, वो बचपन से बहुत बहुत साल पहले से वैसे दुकान दुकान में हो गया, किसी का घर घर में हो गया, पूजा ऐसे पूजा पूजा करते जाते हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत साल बाद देखा हमको, अच्छा लगा, इसीलिए थोड़ा सा बहुत वीडियो बना के आप लोगों को सामने भी शेयर कर दिया। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता देना। तो आज का वही मतलब पंडित जी को भी दिखाने के लिए कोशिश किया, और कल का वीडियो भी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता देना। और कल भी थोड़ा ज्यादा अंधेरा भी हो गया, रात हो गया ना, तो घर में आके सीधा मैं मतलब मोबाइल सोबाइल चार्ज लगाया, उसके बाद खाना वाना खा के भी सो गया, फिर वीडियो भी नहीं बनाया। तो पिछला दिन अभी सुबह उठ के अभी तो मतलब बना रहा हूँ, हमारा पंडित जी को मिला, थोड़ा पंडित जी को भी दिखाया। तो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता देना। और कल का वीडियो कैसा लगा, नदी में जो गया था, नदी का कैसा मतलब वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता देना, और अपना फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर देना। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, इतना तक में छोड़ देंगे। अगर मेरा चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि आपको हमको ना आप लोगों को बहुत मतलब ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, तो सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ इतना शेयर मतलब इतना इतना तो बहुत तो कर देना गाइस। और आज का वीडियो इतना ही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।